क्रीम क्रीम ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणा कालिके, क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा माँ दक्षिणा कालिके नम प्रसन्न वरदौ भव प्रसन्न वरदौ भव प्रसन्न वरदौ भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं, जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं, साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे धुर्जटा साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। एक बात, आप यह दिव्य धुर्जटा साधना को संपन्न करने से पूर्व जान लें यह साधना हमें क्यों करना है। हमारे मृत आत्मीय मृत्यु के उपरांत भटके नहीं, उनको कोई निकृष्ट योनि ना मिले, इसके लिए कुछ विधान शास्त्रों में बताए गए हैं। ऐसी समस्त अप्रिय स्थितियों का निवारण के लिए गारुड़ तंत्र नामक एक ग्रंथ में एक अत्यंत लुप्त प्राय दुर्लभ साधना विधि प्राप्त हुए हैं, जिसे संपन्न करने के बाद मृतक की आत्मा को गति प्रदान किया जा सकता है। पितृवर्ग एवं जिनकी अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो या जो पितृसर जो मोहवश आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी इस साधना प्रयोग को संपन्न करना अति आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार की साधना से व्यक्ति अपने पूर्वजों की कृपा और पारिवारिक स्थितियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की स्थितियां निर्मित कर ही लेता है, इसमें कोई संशय का स्थान नहीं। बात करते हैं साधना विधान के विषय में। यह साधना में जो आवश्यक सामग्रियां हैं वो है धुर्जटा यंत्र और धुर्जटा माला। यह एक रात्रिकालीन साधना है जो मृत व्यक्तियों के अतृप्त आत्माओं की शांति एवं सद्गति के लिए संपन्न किए जाते हैं। इस साधना को आप मौनी अमावस्या अथवा किसी भी माह की अमावस्या को संपन्न कर सकते हैं। साधक को करना क्या है? सर्वप्रथम साधक स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करें और यह साधना अत्यंत शारीरिक व मानसिक पवित्रता के साथ संपन्न करें। साधना के दिन अत्यंत पवित्रता पूर्वक मानसिक रूप से आप जहाँ से गुरु दीक्षा लिए हैं अपने गुरुदेव जी का मंत्र का जाप करते रहें। जो सिद्ध साधक परिवार से दीक्षित हैं वो भी गुरुदेव जी का मंत्र जाप करते रहें। तत्पश्चात लकड़ी के बाजोट के ऊपर अपने गुरुदेव जी का चित्र, उनका पादुका या उनका यंत्र कुछ भी हो उनको स्थापित करें और गुरुदेव जी का पंचोपचार पूजन करें। और फिर गुरु पूजन के पश्चात गुरु चित्र के सम्मुखी ताम्र पात्र में धुर्जटा यंत्र को स्थापित करें तथा अपने दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प करें, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरज्ञाय प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मण द्वितीय पराध्याय श्वेत वाराह कल्पे अष्टविंशो तितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे पुण्य क्षेत्रे अमुक तिथि, उस तिथि का नाम बोले, अमुक वासरे वार का नाम बोले, अमुक गोत्रियः अपना गोत्र बोले, अमुक शर्माहम आपका नाम बोले, ओम अद्य मम समस्त पितृणाम असद्गति नाम सद्गति प्राप्त पूर्वका क्षयत्रु पितृहंते श्री विष्णु लोकमाकामते पिंडदान मात्र सर्वबाधा धारण्याये तर्पण साधना अहम करिष्ये। ऐसा कहकर हाथ में लिए हुए जल को नीचे डाल दें। अब संकल्प के पश्चात धुर्जटा यंत्र का पूजन धूप दीप कुमकुम अक्षत तथा पुष्प से करें। अब पंचोपचार पूजन के बाद धुर्जटा जी का स्तुति पाठ करें। जिनको यह साधना संपन्न करना हो
केवल वही हमसे संपर्क करें, उनको यह स्तुति प्रदान कर दिया जाएगा। अब हाथ में जल लेकर यह भावना मन में लाएं कि मैं यह जलांजलि समस्त पितरों को दे रहा हूँ तथा जल धरती पर छोड़ दें। एक बार पुनः अपने समस्त ज्ञात पितरों, जिनका नाम आपको पता है, उनको इसी प्रकार जल हाथ में लेकर जो मंत्र बोलने जा रहे हैं उस मंत्र बोलते हुए जलांजलि दें और जल भूमि पर छोड़ दें। मंत्र ऐसा है, ओम बंध बांधवाहा वा अन्य जन्मानी बांधवाहा ते तृप्ति मखिड़ायन्तु य चास्मन्तो अभिवांचितः। तत्पश्चात जो मंत्र वो धुर्जटा मंत्र बोलने देने जा रहे हैं उस मंत्र का 21 माला धुर्जटा माला से जाप करें। और मंत्र ऐसा है, ओम धूम धूम धुर्जटाए सर्वदारण्याय फट। अब इसके बाद एक स्तुति आपको करने हैं, और स्तुति ऐसा है, नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते विष्णु सखाय वे सहस्र अस्माय नित्यम नमस्ते सर्वतेजसे नमस्ते सर्व बपुषे नमस्ते सर्वशक्तये जगत स्वामिन नमस्ते अस्तु कुंडलाद्गधारिणे नमस्ते सर्वलोकेश सर्वासुर नमस्कृत्य सुकृत्यम दुष्कृत्यम चैव सम्यगायांसि सर्वदा सत्यदेव नमस्ते अस्तु सर्वदेव नमस्तुते दिवाकर नमस्ते अस्तु प्रभाकर नमस्तु अस्तुते। अब साधक साधना करने के बाद यंत्र और माला के साथ दो काली मिर्च के दाने और थोड़ी सी हींग रख कर किसी साफ कपड़े में बांधे तथा उसे जल में प्रवाहित कर दें, ये करना अनिवार्य है। अब इस प्रकार यह साधना पूर्ण होते हैं तथा साधक अतृप्त आत्माओं की बाधा से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अतृप्त आत्माएं निम्न योनि में वोनि से मुक्त प्राप्त कर अपना आशीर्वाद साधक को प्रदान करते हैं। यह एक सरलतम साधना है लेकिन अत्यंत ही दुरूह और अत्यंत ही शक्तिशाली साधना है। इनको यह साधना संपन्न करना है वो हमसे हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क करें, उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम ओम हम दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम ओम हम स्वाहा माँ दक्षिणा कालिके नम प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।